नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कायदे से देखा जाए तो आज एलओबी पार्ट 3 का वीडियो अपलोड होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कंफ्यूजन्स है मल्टीपल एलओबी को लेकर। देखिए, एलओबी पार्ट 1 था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलओबी पार्ट 2 था वो बिल्कुल भी गलत है। शायद उसमें इनकम और थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा समझने में फर्क है। तो एलओबी का जो पार्ट 2 हमने चैनल पे अपलोड किया था, कुछ समय के लिए वो वीडियो मैंने प्राइवेट करके रखी है, और जो भी कंफ्यूजन है उसके ऊपर हमारा डिस्कस चल रहा है कि एग्जैक्ट क्या है। खुद देखो, कुछ भी चीज अगर नहीं आती है तो समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो बात चल रही है, और जब 100% श्योर हो जाएंगे कि नहीं, ये अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन है और इस तरीके से ही एलओबी मिलेगी हमें, तो उसके ऊपर फुल एंड फाइनल वीडियो एलओबी का जरूर आपको दूंगा। तो फिलहाल के लिए सभी से रिक्वेस्ट है, पार्ट 2 को इग्नोर कर दीजिए, पार्ट 1 इट्स ओके, पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आज हम बात करते हैं, जैसे बहुत जन की कमेंट आई जब से नया प्लान आया है कि सर अब ये नए प्लान के हिसाब से अगर हम फास्ट स्टार्ट ब्रांच डायरेक्टर बनते हैं तो हमारी क्या इनकम होगी। और दूसरे ये भी कमेंट आया करते थे कि मान लीजिए कि एयर प्यूरिफायर से हम फास्ट स्टार्ट ब्रांच डायरेक्टर करते हैं। देखिए, उनके कमेंट भी कहीं ना कहीं सही है कि आप 50-100 पीवी वाले प्रोडक्ट कितने लोगों को अब जमा करोगे, तब जाके 4,500 पीवी हो गए। तो उनका भी सही था कि सर अगर बहुत बड़े वाले प्रोडक्ट पे अगर काम करते हैं तो कम लोगों में काम करना पड़ेगा और फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर इजीली अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं दोनों बता दूंगा कि एक नॉर्मल तरीके से फास्ट स्टार्ट 8% जाने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर मान लीजिए कि आप एयर प्यूरिफायर पे या वाटर प्यूरिफायर पे काम करते हैं और फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो तो आपको क्या इनकम होने जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। जो बिल्कुल भी नए हैं उनके लिए ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि देखिए, फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर मतलब आप सभी को अगर बिजनेस प्लान मालूम होगा तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम 5,500 पीवी की जरूरत पड़ती है एक्यूमुलेटिवली, अगला पिछला जोड़ के ही। लेकिन मान लीजिए कि आप एक सिंगल महीने में अगर 4,500 पीवी कर लेते, 4,500 पीवी इन अ सिंगल मंथ, हाँ एक ही महीने में, तो भी आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है तो 4,500। देखो, जैसे मैंने बताया, मैं सभी तरीके से आज बात करूंगा। सबसे पहले तो देखो, 4,500 पीवी करने तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि मान लीजिए आपने अप्रोक्सीमेटली खुद के 100 पीवी किए हैं, आप चाहे कोई भी लेवल पे हो अभी, ठीक है, 5% 8%, और आपने नीचे से 4,400 पीवी आपके ग्रुप से निकाले हैं। अब ये केस में आपने कर लिए 4,500 पीवी एक ही महीने में, तो अब ये केस में हमें क्या क्या इनकम होगी। देखिए, सभी को मालूम है कि 2600 पीवी पे अब नया ऑफर आ गया है, तो मतलब इसमें हमें क्या क्या इनकम हो सकती है। एक तो परफॉर्मेंस बोनस हमें मिलेगा हमारा खुद का, इसमें से डिफरेंस परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा डाउनलाइन में से, आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा, और प्लस क्योंकि आपने 2600 पीवी से ज्यादा कर लिया है तो आपको 2% टीम बिल्डिंग बोनस है वो भी मिलेगा। देखिए, अगर कैलकुलेशन कर ले तो अगर आपके सेल्फ पीवी है, क्योंकि अभी आप ब्रॉन्ज बन चुके हो तो आपका सेल्फ पीवी का 11% मतलब के 198 रुपीस, ये बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस की पहले। और वहीं पर अगर ये 4,400 पीवी हम मान के चलते कि आपके सारे 8% वाले लेग से आए हैं, मान कोई 5% भी हो सकता है, कोई 10% भी हो सकता है, हम एक एवरेज निकालते हैं कि सारे पीवी अगर 8% के हिसाब से आए तो 3% डिफरेंट कमीशन इसमें से आएगा, तो 3% डिफरेंस कमीशन क्या आएगा, 2376। अगर ये दोनों को हम जोड़ दें तो ये निकल के आता है 2574, ये क्या हो गया, आपका परफॉर्मेंस बोनस हो गया ऑन 4500 पीवी। और इसमें और क्या क्या मिलेगा, आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा और टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो आपका खुद का और ये लोग भी अभी नॉन क्वालिफाई है ना, मतलब इसमें से कोई भी बना नहीं है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बना, तो स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, ये अगर 4,500 को डायरेक्टर बोनस 6% से बटता है, तो अगर ये 4,500 का 6% हम निकाल लेते हैं, 4,500 पीवी का 6% निकालते हैं, तो क्या निकल के आता है, 270 पॉइंट निकल के आते हैं, ठीक है। 4,500 × 6% 4,500 × 6% 270 ये पॉइंट निकल के आए। अब देखिए, सीधा हिसाब किताब है, इसको क्या करना है, पहले 18 रुपये से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो अमाउंट निकल के आएगा
270 को चलिए कर ही देते हैं, 270 को अगर 18 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देते तो वो निकल के आता है 4860। ये क्या आया? बिजनेस वॉल्यूम आया। और हमारी डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू क्या है? 1.35 रुपया। और तकरीबन उतनी ही वैल्यू शायद निकल के आएगी हमारे टीम बिल्डिंग बोनस की, 1.35 रुपया। देखिए आप बोलोगे कई वीडियो में सर आप 1 रुपया बताते हो, कई में 1.25 रुपया बताते हो, एक मोटा मोटी अब तो टीम बिल्डिंग बोनस का हम अंदाज ही लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे हायर लेवल पे बात चल रही है वो हिसाब से तकरीबन वही निकल के आएगी जो डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो 1.35 रुपया इसकी वैल्यू, 1.35 रुपया इसकी वैल्यू, मतलब स्ट्रेट अवे हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.70 रुपया से। क्योंकि देखो अलग अलग भी करोगे तो अमाउंट वही आएगा, इसका 1.35 वापस से 1.35 इसका निकालोगे तो ये अमाउंट निकल के आता है 13,122 के आसपास। 4,860 हम अगर कर लेते 2.70 रुपया तो 13,122 रुपया ये आपका निकल के आया डायरेक्टर बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस। और इसमें अगर ये जोड़ दो 2,574 तो निकल के आएगा टोटल 15,696। ठीक है दोस्तों, 15,500 रुपए के करीब आपकी इनकम हो सकती है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर इस तरीके से बनने पर। आपने 100 PV किए और अलग अलग लैगों से 4,400 PV एक ही महीने में निकाल दिया तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गया कि नॉर्मल इस तरीके से जाओगे तो आपकी इनकम तकरीबन 15,500 रुपया होगी। अब दूसरा जो जरिया मैं बताता हूँ दोस्तों वो एकदम अनबिलीवेबल है, क्योंकि अगर आप फास्ट स्टार्ट जा रहे हो दैट मीन्स कि आप अभी भी नए ही हो बिजनेस में, आप पुराने नहीं हो, तो स्पीड में काम करना और इनकम इससे बहुत ज्यादा बढ़ानी है तो किस तरीके से काम करेंगे और कितना मैक्सिमम बेनिफिट होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी कि इस तरीके से अगर फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाते हो तो हमें शायद ज्यादा बेनिफिट हो जाए इसके अंदर। दूसरा तरीका क्या है, हम मान के चलते कि आपने भी यही महीने में ज्वाइनिंग की है और जो लोगों ने हमें सवाल किया था कि सर अगर हम एयर प्यूरिफायर पे काम करेगी तो हमें क्या इनकम हो सकती है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाने पे, तो दोस्तों चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर आप हो। देखो अब मैक्सिमम बेनिफिट मैं बता रहा हूं मैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। आपको सबसे पहले खुद के 30 PV करने हैं और आपको एक एयर प्यूरिफायर लेना है जिसका वैल्यू निकल के आता है 668 PV, मतलब अगर आपके सेल्फ की बात करूं तो 698 PV। ठीक है, 30 PV से पहले आईडी एक्टिवेट कर लीजिए और फिर एक एयर प्यूरिफायर परचेस कर लीजिए, मतलब तकरीबन आपकी जेब से मतलब 30 PV का अगर करो तो 1,000 रुपया और ये एयर प्यूरिफायर का 18,500 रुपया, मतलब 19,000 रुपया आपकी पॉकेट से निकले है। अब वापस आपको कितने मिलने वाले वो देख लीजिए, सेम काम आपने इनके साथ भी किया, 30+668 मतलब के 698। अब मैं मान के चलता हूँ आप समझ गए हो, तो ये सभी लोग इसी तरीके से 698 करते हैं, पहले अपनी आईडी ग्रीन करवाते हैं और फिर एक एक एयर प्यूरिफायर परचेस कर लेते हैं। अब ये केस में टोटल अगर पीवी हम देखें तो टोटल पीवी निकल के आते हैं 4886, इतने पीवी हो गए। ठीक है, मतलब 4500 से ज्यादा है तो ये केस में भी अब आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हैं। अब बात करते हैं इनकम की, तो इसमें इनकम क्या होगी। देखिए अभी आपके सेल्फ पीवी कितने हैं, 698 है, तो आपका जो परफॉर्मेंस बोनस निकल के आएगा 698 पीवी पे आपका सेल्फ का वो निकल के आएगा 1382। अब बचे हुए जो 4188 पीवी है जो इनके तरफ से आए, देखिए अभी भी ये लोग 8% पे, तो 3% उसका डिफरेंट कमीशन देख लीजिए, तो ये निकल के आएगा आपका 2262। तो परफॉर्मेंस बोनस आएगा आपका 3644, ये हो गया परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, एयर प्यूरिफायर पे काम किया, इतने पीवी किया, 3644 आपको परफॉर्मेंस बोनस आया। अब इसमें भी आपको डायरेक्टर बोनस प्लस टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलना चाहिए। अब देखिए ये 4886 का हम स्ट्रेट अवे अगर 6% निकाल लेते हैं तो निकल के आता है 293.16, इसको 18 से मल्टीप्लाई किया और सीधा 2.70 रुपया से मल्टीप्लाई कर दिया,
₹1.35 हमारी डायरेक्टर बोनस की वैल्यू, ₹1.35 मान के चलते टीम बिल्डिंग बोनस, तो ये अमाउंट निकल के आता है 14,248। इसमें अगर ये जोड़ दो 3,644, तो आपका टोटल अगर कैश की बात करूं 17,891। तो देखिए ऑलमोस्ट आपका एयर प्यूरिफायर फ्री हो गया, मतलब तकरीबन 18,000 रुपया तो दोस्तों यही आ गया आपको, वापस आ गया, मतलब आपने जो एयर प्यूरिफायर खरीदा था तो वो तो पैसे ऑलमोस्ट रिटर्न आ गए। तो लेकिन क्या कहानी एक केस में यहाँ पर रुक जाती है? नहीं दोस्तों, इसके अंदर और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर इसमें आपने काम किया तो। देखिए सबसे पहले तो क्या मिलेगा, देखिए आपने खुद एक एयर प्यूरिफायर परचेस किया था तो उसका कितना मिलेगा आपको, आपको खुद को ₹1,000 का वाउचर मिल जाएगा क्योंकि आपने एयर प्यूरिफायर अपने लिए खरीदा था, तो ₹1,000 का वाउचर आपको मिलेगा अलग से। दूसरा क्या मिलेगा, आपने 6 फास्ट स्टार्ट 8% ब्रेक किया है एक ही महीने में, तो अलग से और क्या मिलेगा आपको, ₹2,000 का वाउचर मिलेगा। हर 3 फास्ट स्टार्ट पे 1,000 का वाउचर मिलता है तो ये और ₹2,000 का वाउचर मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा, कंपनी की ये महीने में क्या ऑफर चल रही है, अगर आप 6 नई ज्वाइनिंग करवाते हो जिनकी परचेस 30 PV से करवाई और फिर वापस 100 PV से रीपरचेस करवाया, ऐसे 6 लोग एक ही महीने में करते तो आपको कंपनी देती है ₹2,500 का वाउचर 2500। मतलब ये 3 वाउचर आपको अलग से मिलेंगे, मतलब अगर बात कर लो तो 5,500 के वाउचर अलग से। अगर ये 5,500 रुपया भी मैं इसमें जोड़ दूं तो दोस्तों टोटल निकल के आता है 23,391 हो गया। कितना फायदे का सौदा और इजी भी है, ज्यादा लोगों में काम भी नहीं करना है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने कुछ 6 लोगों के साथ सिर्फ इतना काम कर लिया तो भी आप फास्ट स्टार्ट चले जाओगे और इनकम हो जाएगी 23,391। और ना सिर्फ आपको इनकम होगी, इनको भी तो मिलेगा, इन्होंने फास्ट स्टार्ट किया तो इनको भी 750 का वाउचर मिलेगा, इन्होंने एयर प्यूरिफायर लिया है तो इनको भी 1,000 रुपये का वाउचर मिलेगा, और तकरीबन उनका भी मैंने कैलकुलेट करके रखा था तकरीबन 1,000 रुपया 1,005 रुपीज कैशबैक इनको भी आएगा, मतलब जो आपके साथ जुड़े हैं उनको भी ये बेनिफिट्स मिलेगा। तो बस ये एक सिंपल था, काफी लोगों के सवाल थे कि बस सर फास्ट स्टार्ट 8% पे भी एक प्लीज फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर पर भी एक वीडियो बता दीजिए, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर थी। मिलते हैं जब अगर कल पिक्चर क्लियर हो गया तो LOB का फुल एंड फाइनल बनाऊंगा, नहीं तो सिर्फ इसी तरीके से और भी हम नए प्लान में किस तरीके से काम करने से कितना मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं उसके ऊपर आप रेगुलर वीडियो आती जाएगी टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो आज की वीडियो कैसी लगी, ये इनकम आपको कितना एक्साइटेड कर रही है जरूर कमेंट में लिखिए। मिलते कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, विश यू।